वेलकम टू रंगनी जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज हम बात करेंगे विषाक्त मानसिकता वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी कि टॉक्सिक पीपल। ये किस तरह के लोग होते हैं? हमारा तात्पर्य केवल गंदी विचारधारा वाले व्यक्तियों से है, यानी कि जिनकी सोच सामान्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होती है। ये हमें हर जगह मिल जाते हैं, यानी कि ऑफिस में, बिजनेस में या फिर घर पे। और इनसे डील कैसे करें और ये किस तरह के लोग होते हैं? जन्म से ही इनका पालन पोषण सही तरीके से न होने की वजह से, या बोले संस्कार सही न मिलने की वजह से, इनकी मानसिकता इस तरह की हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बचपन में ही कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे इनकी मानसिकता बिगड़ जाती है, यानी ये गंदी मानसिकता में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनकी विचारधारा बुरी हो जाती है। तब ये हो जाते हैं टॉक्सिक पीपल। और इनसे डील कैसे किया जाए और ये किस तरह का वर्क करते हैं हमारी लाइफ में, कैसे इंटरप्ट करते हैं, किस तरह की इनकी सोच होती है, ये सब डिस्कस करने से पहले हम बाहुबली की वो मूवी याद कर लें जिसमें एक सीन था। हाँ, आपने बाहुबली तो मूवी देखी होगी ना, तो वो सीन याद कीजिए जब कटप्पा शिवगामी का मैसेज लेकर बल्लाल देव और उनके पिता के पास आते हैं। तब बल्लाल देव और उनके पिता कुछ खास लोगों के साथ ग्रुप में बातें करते रहते हैं, तभी कटप्पा को देखकर चुप हो जाते हैं और बल्लाल देव और उनके पिता को मैसेज देते हैं कटप्पा कि कल शिवगामी ने बोला है कि कल बाहुबली को सिंहासन दिया जाएगा। तभी बल्लाल देव के पिता क्रोधित होकर बोलते हैं, बताओ कटप्पा, मुझे सिंहासन क्यों नहीं मिला? मेरे अपाहिज होने की वजह से, क्योंकि मैं अपाहिज था इसीलिए मेरे छोटे भाई को सिंहासन दे दिया, उसके बाद शिवगामी को मिला और अब सिंहासन मेरे बेटे को ना मिलकर मेरे छोटे भाई के बेटे को मिल रहा है, यह मेरे अपाहिज होने की वजह से ही ना। तब कटप्पा तर्क देते हैं कि नहीं, आपको सिंहासन इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप अपाहिज थे, बल्कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी सोच अपाहिज थी। जो इंसान यह बोल सकता है कि मैं शिवगामी को, अपनी पत्नी को मार देना चाहता हूँ, उसकी सोच को आप क्या कहेंगे? तो उस समय तो बल्लाल देव के पिता क्रोधित हो गए, लेकिन इस सीन से हमें क्या सबक मिलता है कि ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को क्या कहा जाए? ऐसी विचारधारा के लोगों को टॉक्सिक पीपल कहा जाता है, जो कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, यानी न अपने परिवार के बारे में, न अपने बच्चों के बारे में, न अपने माता पिता के बारे में। उनका केवल और केवल लेना देना खुद से रहता है। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, न अपने परिवार के बारे में और न ही किसी और के बारे में। तो ऐसे लोगों से डील करना और ऐसी विचारधारा के अलावा उनकी और कैसी विचारधाराएं होती हैं, आइए उसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करें। सबसे पहले कंप्लेनर, वो हमेशा कंप्लेन करने वाले होते हैं, यानी उनको दूसरों से हमेशा कंप्लेन रहती है, वो ऐसे नहीं करते, वो वैसे नहीं करते, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। इन्हें दूसरों के सक्सेस से हमेशा प्रॉब्लम रहती है, यानी कि दूसरे सक्सेस ना हो इनके आगे। सामने वाला कुछ भी कर दे इनके लिए, वो हमेशा बुरा ही रहता है और उनके बारे में इन्हें बुरा ही बोलना है, बुरा ही सोचना है। इनसिक्योरिटी, इन्हें हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि इनसे आगे कोई ना बढ़ जाए, ये दूसरों से हमेशा सुपीरियर नज़र आए, इन्हें किसी से पीछे ना देखा जाए, ये हमेशा ग्रेट फील करें। हर्ट करने का इनको पूरा अधिकार रहता है, यानी सामने वाले को हर्ट करना इनका अधिकार बन चुका है। तो ये कभी भी हर्ट करने से दूर नहीं रहते, झुकते नहीं हैं, हमेशा रेडी रहते हैं हर्ट करने के लिए।
पास्ट की गलतियों को गिनवाना, ऑल टाइम ये आपकी पास्ट की गलतियों को गिनवाएंगे और आपको बुरा बोलेंगे, आपको गलत समझेंगे, समझाएंगे और आप में इतना फीड कर देंगे कि आपको लगने लगेगा कहीं मैं तो गलत नहीं। ये हमेशा डीमोटिवेट करते रहेंगे, आपको हमेशा बोलेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, ताकि आप हमेशा डीमोटिवेट होते रहें और आप वो काम करना बंद कर दें जो आप करना चाहते हैं। ये कभी भी खुद की गलतियां नहीं मानते और सामने वाले को ये जता देते हैं कि तुमने चीखा चिल्लाया तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण, यानी कि खुद को गलत साबित नहीं करने देना। ये हमेशा और हमेशा खुद की परवाह करते हैं, खुद की चिंता करते हैं। इस तरह के लोग ना बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होते हैं, ये हमेशा अपने ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। उपचार जानने से पहले हम काउंसलर डॉक्टर नेहा आनंद से बात करते हैं, जो कि हमारे साथ बनी हुई है। तो आइए डॉक्टर नेहा आनंद क्या बोलती हैं ऐसे लोगों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कई बार दुनिया में हमें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कई बहुत अच्छे होते हैं जो खुद को स्टेज पे रख के भी दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, पर कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बारे में बाद में सोचते हैं पर पहले अपने बारे में सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ बुरा है, लेकिन किसी और का बुरा करके यदि कुछ लोग अपना अच्छा करते हैं तो इसको टॉक्सिक मेंटालिटी के नाम से हम टर्म करते हैं। टॉक्सिक मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो अक्सर दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के लिए प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स, बिचिंग करते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता बहुत ही कुंठित होती है, सफोकेटेड होती है। जानना ये है, समझना ये है कि हम अपने आप को ऐसे लोगों से कैसे बचा सकते हैं। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि हर तरह के लोग हमें हर जगह मिलते हैं, हम किसी भी परिस्थिति से भाग नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों से एस्केप नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने रिस्पॉन्सेस को डेफिनेटली हम ट्यून कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। किसी भी इंसान से जब आप मिलते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वो इंसान आपके लिए आपकी कंपनी में होना उसका ज़रूरी है या नहीं है। यदि नहीं है तो बहुत ही लिमिट में अपने रिलेशनशिप्स ऐसे लोगों के साथ रखें। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप्स काट दें लोगों से, बिकॉज़ हम सोशल क्रिएचर्स हैं, हम अपने रिलेशनशिप कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही फॉर्मल सुपरफिशियल रिलेशनशिप रखें ऐसे लोगों के साथ, अपनी कोई पर्सनल चीज़ें डिस्कस ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ऐसे लोग सैडिस्टिक प्लेजर भी लेते हैं। जब दूसरों का बुरा होता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक कुंठित एक नेगेटिव भावना होती है इनके अंदर, तो वो खुश होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। दूसरा, आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटीज़, अपने पर्पस पे फोकस रहना है। हमेशा याद रखें, आप दुनिया में जिस पर्पस से आए हैं, आपकी बहुत सारे रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, यदि आप उन पर ध्यान देंगे, अपने कामों पे, अपने गोल्स पे ध्यान देंगे, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बेहतर है आप अपने ऊपर काम करें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो वेरी मच। आइए हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे बात करते हैं, यानी अगर हमें टॉक्सिक पीपल मिलें तो हम उनसे कैसे बर्ताव करें। सबसे पहले हमें टॉक्सिक पीपल को इग्नोर करना है, क्योंकि टॉक्सिक पीपल कभी भी हम उन्हें सुधार नहीं सकते और आप उन्हें सुधारने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं तो वो जैसे हैं ना वो आपको वैसा ही बना देंगे। वो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, यानी कि आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो अपने
सर्किल को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, बेहतर बनाइए और ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखिए, इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को, नहीं तो आप भी ऐसे लोगों के साथ रहकर कहीं ना डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। तो हमेशा ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर वो आपके साथ बुरा करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी उनके साथ बुरा करें, आप उन्हें इग्नोर कीजिए, अपना रास्ता नाप लीजिए, वहाँ से अपने रास्ते को चेंज कर लीजिए। वो अगर आपके सगे हैं तो आप मेंटली तौर पर उनसे दूर हो जाइए। यही एक रास्ता है, यही एक उपचार है। इंसान खुद को बेहतर बनाने के लिए ना व्यस्त हो जाए सबसे अच्छा है, तो खुद को व्यस्त रखिए। जिस इंसान को व्यस्तता रहती है ना, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर होता है। तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने का सबसे बेहतर इलाज यही है कि आप खुद को बेहतर बनाएं, खुद को व्यस्त बनाएं और उनसे डिस्टेंस रखें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपके काम आती है ना, और जो आपको पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।